अस्सलाम वालेकुम खातिन हजरात, मुगल चैनल में आज जो हमारे गेस्ट हैं उसमें हैं हुसैन शाह साहब और शाह हुसैन शाह। शाह हुसैन शाह बाप और बेटा दोनों यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। आज हम इनसे इनकी कोई पूछना चाहेंगे। शाह हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। सही साहब आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशिया का माशाल्लाह। और किस में आपने लिया है मेडल? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में लिया है। अच्छा, कितने अरसे से आप बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में तो मैं 7 साल की उम्र से बॉक्सिंग स्टार्ट खेल रहा हूँ। अच्छा, मेरा वास्ता लियारी से। लियारी से? अच्छा माशाल्लाह, कराची से तशरीफ रखते हैं। अच्छा, लियारी में बॉक्सिंग फुटबॉली होती है वहाँ पे। अच्छा दादा, तो यहाँ जापान में आए कितना अर्सा हो गया आपको? जापान में 21 साल हो गए। 21 साल हो गए माशाल्लाह, 21 साल से। तो ये जो 16 ओलंपिक्स में आपको मिला था मेडल? जी जी 16। अच्छा माशाल्लाह। तो ये हुसैन शाह साहब और शाह हुसैन साहब आप माशाल्लाह देख रहे हैं, आपने इनसे क्या, आप बॉक्सिंग में क्यों नहीं गए? बॉक्सिंग में क्यों नहीं गए? वो तो पता नहीं, शौक था लेकिन मेरी मम्मी को भी थोड़ा डर था। अच्छा, बॉक्सिंग का। अच्छा। और वैसे भी जापान में जूडो का बहुत दौर था। अच्छा, जब हम रहते थे उधर भी नजदीक में जूडो का क्लब था। अच्छा, इसलिए मार्शल आर्ट तो अबू की तरह करना ही। उसके अलावा था क्या बात क्या? उसके अलावा मेरे वाइफ और मैंने सोचा भी कि क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान वाली कौमी गेम हॉकी है ना, इनका कौमी गेम जूडो है। ठीक, तो हम उसके वालदा और मैंने सोचा कि चलो कि हमारा बेटा यहाँ ज़्यादातर कह सकता है, इसलिए हमने जूडो कर डाल दिया इसको। वो छोटे थे, मैं कह लगे 6 साल का था। 6 साल की उम्र से वो छोटा था, 5 साल का था उससे छोटा शाहजेद। अच्छा, वो 6 साल का, 5 साल का था। अच्छा, डाल दिया माशाल्लाह। तो अभी आप किस में ओलंपिक्स में लेके आए, कोई मेडल आप लेके हैं? अभी तो ओलंपिक तो अभी इस साल में हो रहे हैं। अच्छा, साउथ एशियन ओलंपिक्स में आपने कोई मेडल लिया है? साउथ एशियन गेम्स में हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो गया। अच्छा, वो आप मेडल दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा? जी जी सर। तो नाज़रीन इकराम, देखिए ये हुसैन शाह साहब जो है उनके बेटे हैं, शाह हुसैन साहब के बेटे दोनों ने माशाल्लाह, बेटे ने गोल्ड मेडल लिया साउथ में और फादर ने, आपने सर कौन सा मेडल लिया? 5 मरतबा साउथ एशिया में गोल्ड लिया है माशाल्लाह। 6वीं मरतबा मेरे बेटे ने लेके डबल एंटर किया माशाल्लाह। 5 दफ़ा फादर ने लिए और 6वीं दफ़ा जो है इनके बेटे ने जो है डबल हैट्रिक हो गया। और ये जो आपका ये ओलंपिक का मेडल है 1988 में सोल ओलंपिक में जब हुए थे तब शाह हुसैन साहब को ये मिला था। आप देखिए, तो माशाल्लाह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि दो पाकिस्तानी बाप बेटा जो है पाकिस्तान में इधर जापान में मौजूद हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं जापान से रह के। और एक ने जूडो में और एक जो है फादर है उन्होंने बॉक्सिंग में लिए। तो अभी आपका क्या ख्वाब है अपना शाह हुसैन साहब? ख्वाब तो सिर्फ ओलंपिक का है। अच्छा, अभी वर्ल्ड ओलंपिक में जी अभी जो हो रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह तो उसके लिए भी क्वालिफाइड राउंड में हूँ। अच्छा, अभी दिस ईयर दिस मंथ में तुर्की जाऊँगा। अच्छा, तुर्की के बाद जाऊँगा मैं उज़्बेकिस्तान के पास वापस जापान आऊँगा, जापान के पास अज़रबैजान के पास किधर। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, पूरे ओलंपिक अभी सबसे बड़ा टारगेट है। अभी टारगेट आपका क्या ओलंपिक में? ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जरूर। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। देखिए जनाब, के जापान में रहते हुए ना पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए शाह हुसैन साहब और हुसैन शाह साहब बाप बेटा दोनों की 20 साल की काविश और आज जो हमारे साथ है। आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे, आप उर्दू में देना चाहें प्लीज? एक बात नहीं कर रहा प्लीज। अभी देखिए साउथ एशिया से गोल्ड मेडल लाया लोगों ने, इससे तो मैं कह रहा एक मिनट भी नहीं खेलने दिया इंडिया को। अच्छा, एक ही मिनट में इसे अच्छा दिया ना। और हॉकी ने गिरी गिरी मुश्किल जीत दिया। अच्छा, अच्छा हुआ जीता, फख्र की बात है। उनकी इतनी परसाई हुई वहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, इस बेचारे की ज्यादा कुछ ठीक है इसे पूछने वाला नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, ये तो सीधे वहाँ से सीधे यहाँ आ गया। वहाँ तो वहाँ के वजीर आजम ने उसको किया, उनको इनाम दिया। अच्छा, तो जापान में अभी? जापान में। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं फिर इनकी कुछ सेरेमनी की जाए यहाँ पे, है ना, इनको वेलकम किया जाए। और मतलब जापान में जितने भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको पता लगे कि शाह हुसैन साहब जो है माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल लेके आए। तो आपकी खुशी, बाप बेटा तो यही चाहते हैं कि बेटे को भी अप्रिशिएट किया जाए यहाँ पे, है ना। बस ये शुक्र है कि MBC हम लोग को बड़ा हेल्प करती है। अच्छा, ज़्यादा अगर हम तो समझते हैं कि बहुत हेल्प करती है MBC। अच्छा, हर बात ठीक।
और आपकी कोई ख्वाहिश है बेटे के बारे में, क्या ख्वाब है आपके? बस बेटे के बारे में ये ख्वाब है बेटा क्वालिफाई करे और मेडल ले। मैंने ब्रॉन्ज दिया मेरा बेटा, गोल्ड सिल्वर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके क्या है ड्रीम्स हैं? गोल्ड सिल्वर गोल्ड का इंशाल्लाह लेंगे जरूर। माशाल्लाह। तो आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे अगर 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 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, गवर्नमेंट पाकिस्तान या कोई वहाँ के बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, सही माना में ये मैं सही बात करता हूँ, अगर इसको हेल्प करे, इसको स्पॉन्सर दे मेरे लोग जो ये सही कदर की ट्रेनिंग करे जापानी के साथ, क्योंकि जापानी का आप देखिए जापानी 4-5 गोल्ड हर ओलंपिक में वर्ल्ड के आते हैं, हर मिलाते हैं। ठीक है। तो मेरा बेटा भी कम नहीं है कि उनके साथ ट्रेनिंग की है। अगर मेरे बेटे को इसे स्पॉन्सर मिल जाए, खास पाकिस्तान में जो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं ये वो है, या गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करे, खास इसको। आपको नहीं किया सपोर्ट गवर्नमेंट ने? मेरे को कि मेरे क्या करो, मैं हम लोग क्या कर रहा था। ये तो हम लोग का शुक्र था, हम लोग के दौर में प्रोफेसर अनु चौधरी था जो वर्ल्ड आईवा का प्रेसिडेंट था, बस उसकी हेल्प से चल रहे थे। खाना खाओ सो बस चले जाओ ट्रेनिंग करो। तो खासी नजर देखे, इनकी ख्वाहिश है फादर की भी और पाकिस्तान में भी ये मैसेज जाएगा वीडियो के जरिए। तो आपसे ख्वाहिश है कि आप शाह हुसैन साहब के बेटे हैं, हुसैन शाह साहब के बेटे शाह हुसैन शाह, दोनों हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए अगर इनको चांस दिया जाए, अभी भी ये मेडल ले रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम ये बुलंद कर सकते हैं। तो आखिर में आपको कोई मैसेज मैं छोटा सा देना चाहूँगा, प्लीज़ आप। ये सिर्फ मैं अभी जो अबू ने बोल दिया, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करें अभी ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। ओलंपिक में जितना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है मैं उतना करूँगा, सिर्फ आप लोगों की दुआई दुआ की जरूरत है। दुआ के साथ साथ एक स्पॉन्सर भी मिलना जरूरी है। तो आप लोगों ने खासी नजर देखा होगा कि जितने भी खेले होती है ना उनके पीछे ना स्पॉन्सर की जरूरत होती है, किसी भी कामयाबी के लिए पीछे ना, किसी कहते हैं ना किसी हस्बैंड की कामयाबी के पीछे उसकी बहू बीवी बेटी माँ कोई ना कोई होती है, इसलिए स्पोर्ट्समैन के भी पीछे कोई ना किसकी स्पॉन्सर की जरूरत होती है। तो अगर इनको स्पॉन्सर मिल जाए तो पाकिस्तान का नाम जापान से भी रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी रोशन कर सकते हैं। तो आज आपके साथ यही हमारे साथ तशरीफ रखते थे हुसैन शाह साहब, शाह हुसैन साहब। तो आपका बहुत शुक्रिया शाह हुसैन साहब।